आफ्टर हैवी करेक्शन मरपुरम फाइनेंस के अंदर हमारा एंट्री हुआ था दोस्तों 160 पे। जो भी 210 पे खरीदे हैं, 190 पे खरीदे हैं, 160 पे एवरेज बनाइए। सभी का ओवरऑल एवरेज 190 के नीचे आएगा तो हम लोग शॉर्ट टर्म टारगेट्स 175, प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म टारगेट्स 190 लेकर चलेंगे। ये अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला, सपोर्टेड वीडियो, उसका पहला वीडियो फ्रेश बाइंग वीडियो पे भी बोला। प्रीवियस वीडियो में मैं 168 पे भी मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर आप लोगों को एंट्री दिया था दोस्तों, टारगेट ऑफ 190, क्योंकि 200 का ब्रेकडाउन लेवल था। 200 का तो रिस्क मैं अपने सब्सक्राइबर के हार्ड एंड मनी से नहीं ले सकता था, इसीलिए मैं 190 लिया। फिर भी स्टॉक 200 गया है। अब स्टॉक के अंदर रिवर्सल ट्रेंड चालू हुआ है दोस्तों, वो भी हेवी वॉल्यूम के साथ। हेवी वॉल्यूम के साथ कभी भी ऊपर लेवल पे रिवर्सल स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। नीचे लेवल पे हेवी वॉल्यूम के साथ ट्रेंड बनता है उसे बोलते हैं ओवर बाइंग। तो उसके हिसाब से हम लोग आज काम करने वाले हैं। जब ओवर बाइंग था तब मैंने खुद आप लोगों को एंट्री दिया था नीचे लेवल पे। अब ऊपर लेवल पे वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है तो अभी एग्जिट कराना भी मेरा ही काम है दोस्तों। पर आप टेक्निकल एनालिसिस देख के समझिए क्यों मैं ये डिसीजन लिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद सोहेल, आपके सामने स्टॉक पे बात कर रहा हूँ, मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मनप्पुरम फाइनेंस का ये वन डे का कैंडल चार्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आगे चल के वीडियो में मैं आपको 15 मिनट इंट्राडे कैंडल चार्ट एनालिसिस करके बताऊंगा इंट्राडे के अंदर ट्रेड और पोजीशन कैसे पकड़नी है। प्रीवियस टाइम ट्रेंड चेंज होते हुए स्टॉक हमें 200 का रिवर्सल ट्रेंड दिया था, उसके बाद स्टॉक के अंदर हेवी करेक्शन के बाद मैं खुद एंट्री दिया था दोस्तों 160 पे, और स्टॉक के अंदर फिर से रिवर्सल ट्रेंड हुआ, मैंने फिर से 160 लेवल पे ही एंट्री दिया, टारगेट ऑफ 175 एंड टारगेट ऑफ 190। 190 में कुछ ब्रेकडाउन लेवल नहीं है, पर मैं 190 देने का रीजन ये है कि ट्रेंड चेंज हुआ था दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। ऊपर से डिविडेंड आने वाला था और टोटली आरएसआई में कंसोलिडेशन देखने को मिला, इसलिए मैं आप लोगों को एंट्री दिया था दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस में 160 लेवल पे, और इधर हमें क्लीन पोस्चर देखने को मिला। उसके हिसाब से क्लबिंग और रैली जिधर पूरे के पूरे टारगेट अचीव हो चुके, अभी ट्रेंड नीचे से बना रहा है। अब ट्रेंड ये चीज होता है जिधर आपको कैंडल के बाद और एक कैंडल पर्टिकुलर फर्स्ट कैंडल के हेड पे आ गया तो सेलिंग, पर्टिकुलर कैंडल के नीचे से आ गया तो टोटली बाइंग होता है। तो इसीलिए मैं आपको कैंडल्स ब्रेक करते हुए ट्रेंड को रोक रहा था, मैं रोक नहीं रहा था, वो लोग रोक रहे थे, मैं आपको रोक रहा था स्टॉक में होल्डिंग लगाने के लिए। अब देखिए ट्रेंड नीचे से आते हुए कैंडल्स को ब्रेक करते हुए हेड लेवल पे 100% आएगा, क्योंकि टोटली ओवरबॉट है। अगर कभी भी कौन सा भी स्टॉक ओवरबॉट हो जाता है तो रिवर्सल ट्रेंड आना जायज है दोस्तों, और ओवरबाइंग की रिवर्सल ट्रेंड रैली भी स्टॉक के अंदर आएगी। तो मैं कंप्लीटली सजेस्ट करता हूं कि आप लोग 195 देखने को मिला प्रॉफिट बुक करिए, 200 देखने को मिला प्रॉफिट बुक करिए, 190 भी देखने को मिला प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि हम लोग क्लीन प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होगा, रिवर्सल होने के बाद चांस मिलेगा, उसके बाद बाय करेंगे, क्योंकि मेन रेसिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिला 170 पे। तो अगर स्टॉक रिवर्सल जाता हुआ दिखा तो हम लोग 170 लेवल पे फ्रेश बाइंग करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस में। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप एंकरेजिंग मी दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मनप्पुरम फाइनेंस का ये 15 मिनट का इंट्राडे कैंडल चार्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 15 मिनट के हिसाब से मनप्पुरम फाइनेंस के अंदर माइनस लेवल पे ही लूज कैंडल फॉर्मेशन जो आपको दिख रहा है ये मंडे लाइव मार्केट में, क्योंकि मंडे लाइव मार्केट फर्स्ट हाफ निफ्टी का सेलिंग है, सेकंड हाफ बाइंग है। तो उसके हिसाब से मनप्पुरम फाइनेंस भी फर्स्ट हाफ आपको रिवर्सल ट्रेंड में ही दिखेगा। तो मेरा सजेशन आपसे ये है, फर्स्ट हाफ सेलिंग सेकंड हाफ बाइंग पे काम करिए, जब ये आरएसआई 40 से सपोर्ट लेगा। 14th अक्टूबर 2021 थर्सडे मनप्पुरम का क्लोजिंग है 195.30 पैसा। ये मैं टारगेट निकाल रहा हूँ फॉर 18th अक्टूबर 2021 मंडे के लिए। मंडे लाइव मार्केट में आपको मेरे लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, आप मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस लाइव मार्केट में लेकर चल सकते हैं दोस्तों।